एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें धासु सर जोर जोर से रो रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता। पर्सनली मैं ये वीडियो में एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन टीचर्स से पूछना चाहता हूँ, उन यूट्यूब चैनल वालों से पूछना चाहता हूँ जो इस में कूद रहे हैं, इसे कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। भाई साहब सर रोए, वो कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट करो, उन पे 50 लाख का कर्ज है, वो सही है गलत है ये मुझे नहीं पता और ये आपको भी नहीं पता। पर एक आदमी जब एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अगर फूट फूट कर रो रहा है तो वो रियल है, मेरा ये मानना है पर्सनली। और साथ ही में अगर आप आपको देखा जाए तो यार आप क्यों कूद रहे हैं? मैं देख रहा हूं एक टीचर है वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं यार खड़े होके उल्टा सीधा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी टीचर के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। आपको गलत लगते हैं ठीक है, गलत है, बात खत्म हो गई, लेकिन आप क्यों कंट्रोवर्सी में कूदते हैं यार? रही बात की आप भीख मांग लो, ऐसा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहे हैं कि भीख मांग लो, ये कर लो, वो कर लो, सब गलत है, अगर तुम्हें ये चाहिए था तुमने 50 लाख का घर क्यों खरीदा? मैं कह रहा हूं वो बंदा मान लो गलत है, सही है, आप छोड़ दो ना, आप क्यों अपनी राय जस्टिफाई कर रहे हैं यार? आप क्यों कूद रहे हैं किसी के बीच में यार? मुझे बिल्कुल भी मतलब ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपसे सभी टीचर से कहना चाहूंगा जो सोच रहे हैं यार, जो ऐसे YouTube वाले सोच रहे हैं अरे वीडियो बना लो, 10,000 को दिखा दो रोता हुआ और व्यूज कमा लो, क्यों भाई? अरे वो उन्हें जो करना था उन्होंने किया, सही है गलत है वो हम उन पे छोड़ देते हैं। पर प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों आप भी पॉजिटिव रहो। आपको उनका कोर्स परचेज करना है नहीं करना है ये आपकी इच्छा है, मुझे ये मालूम है। देखो जो मान लो अगर मैं भी स्टूडेंट हूं ना तो मैं उसका कोर्स परचेज करूंगा जहां मैं पढ़ता हूँ। तो रोने से कोई कोर्स नहीं खरीदता, ये कॉमन सी बात है ना। तो बंदा रो रहा है, बंदा परेशान है तो वो परेशान होगा। चलो मैंने मान लिया गलती से उन्होंने 50 लाख का घर खरीद लिया, चलो खरीद लिया, अब वो किस्त नहीं चुका पा रहे तो परेशान तो होंगे ना। तो आप क्यों यार ऐसा करते हैं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी यार हम तो अपना काम करते हैं, काम करते रहेंगे। तो इस बात का प्लीज आप ध्यान रखिए। थैंक यू।